वो तो गाइस फेरोनिक्स इज हियर। और हाँ, हम लोग लिवअप के कैप ग्रास में आ चुके हैं। फिलहाल तो भाई कोई गन नहीं मिले हमें ऊपर में रूफटॉप में, और आगे पीछे सारे जगह बंदे थे। मैं यहाँ पे बहुत ढूंढा पर कोई गन नहीं मिली, मेरे भाई को भी गन नहीं मिली। मैं दूसरा गन में मुझे AKM और UMP मिलती है यहाँ पे। मैंने अपने भाई को कह के रखा है कि भाई तू किल मत करना बस, और इसने यहाँ पे किल कर भी दिया। और भाई एक बंदे ने तो मेरी पूरी पूरी जान और HP दोनों ही निकाल दी थी। मेरे पास एक फर्स्ट थी तो मैंने वो लगा ली लाल। और हाँ भाई, बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि भाई सामने आगे सब जगह बंदे, और ये क्रैप ग्रास है यहाँ पे, कैंपस के ऊपर पीछे पड़ रहता है। मैं यहाँ पे AKM से सब प्लेस बंदे को नॉक कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट वाले घर में भी एक बंदा था जिसके फुट्स मुझे आ गए थे, तो मैंने उसको एक बार के लिए तो इग्नोर किया और इस वाले घर में रश कर दिया और यहाँ पे जा रहा था। इस बंदे ने बहुत ही अच्छा बेट बनाया अपने नॉक वाले बंदे को, बट हम लोग भी समझदार है भाई, हम लोग सही ना मरने वाले हैं सामने। मेरे भाई ने भी डैमेज बहुत खाया, मैंने भी बहुत डैमेज खाया। यहाँ पे सामने वाला बंदा था और इसके सपरे से मैं बच जाता हूँ, लिटरली मैं बच जाता हूँ। अगर 2 सेकंड का भी डिले होता तो यहाँ पे मैं नॉक और मैं सब भाई को भी सब डैमेज हो ही जाता। यहाँ पर साथ के पास नेट था जो उसने मुझे बोला नहीं, वरना यहाँ पे मेरा किल होता, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसने नेट फेंक दिया और एक बंदे को नॉक कर दिया यहाँ पे, बूम। फिर हम लोग दोनों ने रश कर दिया। मैंने साथों को बोला कि तू भाई आ जा, तो इतना कॉन्फिडेंस से मत बोल कि सिर्फ एक बंदा है। तो हम दोनों आ जाते हैं, बट यहाँ पे सच में एक ही बंदा था। इससे हम लोग नॉक कर देते हैं और भाई ये मेरा चुतिया पड़ा, देखो भाई नीचे गिर गया। इसे नॉक कर देते हैं और मैं अपनी UMP रिलोड कर लेता हूँ। और कुछ टाइम के बाद एक बहुत गंदा सीन होना, मुझे एक बॉट का यहाँ पे मतलब साउंड आ जाता है कि इसने फायर किया है। मैं नीचे कूदने की कोशिश करता, बट यहाँ पे एक बेयरिंग था जिसके वजह से मैं नहीं कूद पाया। और मुझे M4 का बहुत गंदा सा पता था, अगर मैंने लेटा नहीं होता तो भाई यहाँ पे मैं नॉक ही हो जाता। बॉट की लड़ाई तो बहुत ही खतरनाक है, तो आप लोग तो इसके जाल में मत ही फंसना। इसे मैं पूरा ही फिनिश कर देता हूँ और हाँ बैंडेजेस पहन लेता हूँ एक दो, ताकि अगर मुझे डैमेज हो तो भी मैं 1 HP तक तो बची जाऊँ एटलीस्ट। अब मैं आ जाता हूँ क्योंकि मैं भाई कह रहा है कि बंदा लोग रश कर रहे हैं, और मैंने इसकी थोड़ी सी बात नहीं मानी थी, बट सीरियसली यहाँ पे मेरा भी कटने वाला बहुत अच्छा वाला। तो मैं यहाँ ऊपर में जाता हूँ, एक बार के लिए मैं ऊपर में चला गया था मतलब डिस्क लेके, और मैं यहाँ पे 9 बंदे का किल भी आ जाता है। मैं ऊपर जाता हूँ, चले जाता हूँ, जाते जाते यहाँ पे मुझे कारल का बहुत गंदा सफर पड़ता है और मैं लिटरली 10-20 HP था, ज़्यादा मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं बचूंगा। अब मैं भाई को कहता हूँ कि भाई तू एक स्मोक कर दे ताकि मैं कुछ देर के लिए तो जिंदा रहूँ। वो एक कवर बनाता है, वो प्रीफायर दे के कवर बना लेता है ताकि भाई वो लोग एक बार के लिए स्टॉप कर दे फायरिंग, और भाई मैं लिटरली 1 HP बचाऊँ यहाँ पे। यहाँ पे स्मोक बन जाता है और एक बॉट आ जाता है भाई, और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि मुझे फिनिश ना कर दे, बट मैं डैप हो जाता हूँ। मैं अंदर आता हूँ, इसे धोखा दे देता हूँ और अब बाहर जाके किल कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे किल पूरा ही फिनिश कर देता हूँ ताकि वो जो बंदा मैं जिस बंदे ने मुझे नॉक किया वो मुझे फिर इस बंदे का किल ना चोरी कर ले। मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं मतलब फर्स्ट एड बैंडेज सब मांग रहा हूँ, तो जो मेरा भाई कहते कि भाई मेरे पास 9 बैंडेज तो ले ले, तो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मुझे 9 बैंडेज दिए, मैं पीछे जाके मरम पट्टी लगा लेता हूँ अपनी थोड़ी बहुत, तभी मुझे नेट एफ आने के बाद आती है, तो मैं बाहर आ जाता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। और हाँ, बंदा लोग का बहुत गंदा वाला यहाँ पे रश आने वाला है, तो बस देखते रहो। मैंने उसे कहा था कि भाई ये थोड़ी देर के लिए संभाल लेना तू, तो वो कहते ओके। तो मैं चले जाता हूँ अंदर फिर से ताकि मैं सेफ रहूँ, बैंडेज लगा रहा हूँ, ऑफकोर्स अगर नॉक हो गया तो बचूंगा ही नहीं यहाँ पे। तो वो बंदे लोग भी बहुत गंदा वाला प्रीफायर करके ऊपर आने के चार्ट पे थे, बट मैंने मेरे भाई ने सब कुछ संभाल लिया। मेरा भाई तो सीरियसली OP है भाई। फिर मैं जाता हूँ क्योंकि वो कह रहा था कि भाई मैं तो संभाल नहीं पाऊँगा, 2-3 बंदे पूरे रश कर रहे हैं। तो मैं UMP लेके सीधा सीधे घुस जाता हूँ और यहाँ पे एक बंदा नॉक हो जाता है। बस देखो इस बंदे के ऊपर तो मैं पूरा ही चढ़ जाता हूँ नॉक करने के लिए, और फिर ना मैं ऊपर नीचे जाके पूरा ही रश कर देता हूँ। और ये जो जिसको भी पसंद आया भाई, सब्सक्राइब और लाइक दोनों ठोकना पड़ेगा आप लोग को। ये बंदे लोग कानों कान कोई खबर नहीं रहती है कि भाई फेरोनिक्स यहाँ पे आ चुका है और सबकी फाड़ने वाला है। यहाँ पे मैंने सब तीनों को पूरा ही निकाल दिया और हम लोगों ने पूरा क्रैप ग्रास खोल के रख दिया, सीरियसली खोल के रख दिया यहाँ पे। और मैं लास्ट में 13 किल निकलने वाला है आज, ऐसे भी आप लोग ने शायद डिस्क्रिप्शन और वो देख लिया होगा शायद तक। यहाँ पे हम पूरी की पूरी लूट कर लेते हैं। और मैंने भाई को कहा था कि मतलब आप लोगों को जो याद होगा कि मैंने 1 HP में मैं बच गया था कि M4 वाले बंदे से, तो मैंने भाई को कहा कि भाई उधर बंदे हैं तो तू थोड़ा संभल के बाहर जाइयो। तो वो कहता है
भाई तू मेरी टेंशन मत ले, तू अपनी ले ले, तू 3 बार नौक हुआ, 2 बार नौक हुआ हुआ नुबड़े, तू अपनी टेंशन ले पहले, मेरी मत ले। मैंने कुछ पोर्शन कट कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत लंबा हो गया था। और यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत तगड़ी फायरिंग हो रही थी तो हम यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे मैंने एक बंदे को 2-3 गोली चिपका दी थी और यहाँ पे इसे पूरा क्लियर कर दिया था सार्थक। आकाश का तो हमने इसे आकाश में भेज दिया बहुत ही लंबे सफ़र के लिए, तो अपने को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लूटता नहीं क्योंकि P90 का बहुत ही तगड़ा फायर आता है मेरे भाई पे, तो कहते हैं कि भाई मैं बच तो गया हूँ लेकिन बहुत ही तगड़ा फायर कर रहा है वो बंदा, तो जाके पहले उसे भेजते हैं। तो हमें तो तुम खुले आम भाई कोई फिक्र नहीं, देश दुनिया से बेफिक्र होकर जा रहा था। तभी हम P90 वाले बंदे को बहुत ढूंढते पर हमें नहीं मिलते, और मैं तो थोड़ा देख लो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि भाई ये बंदा है कहाँ, ये तो साला पूरा कैंप करके बैठा और यहाँ पे हमें इसे मारने के लिए आया, और ये तो भाई कहाँ छुप के बैठ गया भाई बिल्ली की तरह। मैं इसे मॉन्स्टर ट्रक को लेके जाता हूँ, जो सीरियसली मॉन्स्टर जैसा कुछ तो है नहीं इसमें शायद तक। अगर आपको पसंद है मॉन्स्टर ट्रक तो कमेंट करना। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, जब भी यहाँ पे 2 बॉट भाई 2 नुबड़े यहाँ पे एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे, एक बॉट को तो हमने टपका दिया और एक बॉट को यहाँ पे आके हम मार देते हैं, ये गया। और ये वो जो पहाड़ी वाला P90 वाला बंदा था वो हम लोग को बहुत बड़ा ही पोपट बनाने वाला होता है, लेकिन हम बच जाते हैं, हम भी भाई समझदार है यार, हम जा करो। यहाँ पे हम आते हैं, लूट रहे होते हैं खुले में, तब मुझे याद आते हैं भाई वो बंदे है, वो पेल देगा तो तेरी निकल जाएगी। फिर तो देखा कि जोन भी आ रहा है, मैं भाई कह रहे कि भाई जोन में आ रहा है पहले उसमें चल लूटे रहे, तो कहते हैं वो ठीक है भाई चल चल चल। तो अभी हम इसे ढूंढ रहे थे, P90 का फेस ऑफ आ रहा था, आप लोगों ने देखा ही होगा। मैं सिर्फ प्री फायर देता हूँ, और हाँ मैं प्रिजन के बारे में 1 सेकंड के लिए तो भूल ही गया था, मैं सिर्फ फायर देता हूँ ताकि ये शांत हो जाए। और ये पता है कहाँ से निकल गया था ऑलमोस्ट, देखो फायर यहाँ पे आया लेकिन ये साइड से निकल गया था, लेकिन मैंने भी पकड़ लिया इसे। बस ये ड्रॉप शॉट देखना मज़ा ही आ जाएगा, ये ड्रॉप शॉट जिसको भी पसंद आया भाई लाइक करना चैनल को। और अभी फ़िलहाल मैं सबूत मरम पट्टी लगा लेता हूँ, और अपने ड्राइवर मतलब अपने भाई को कहते हो कि जाके भाई तू गाड़ी लेकर आ, तभी वो कहते हैं भाई पहले यहाँ पे बॉट है उसको पेल ले वरना मैं निकाल लूँगा इसे, तो मैं कहता हूँ अरे रुक जा रुक जा। तभी ये आता है, ये मेरे ऊपर चढ़ाने के फिर रात में रहते कि भाई इसके तो और निकालनी है मुझे, इसकी वीडियो तो बनाने नहीं देंगे आज हम। तभी मैं कटिंग करके बोलता हूँ कि भाई ऐसे कुछ नहीं चलेगा, हमने भी सोच लिया था कि जाएंगे तो मिर्चिन जाएंगे हम आसपास के घर से होकर जाते हैं, ताकि कि अगर कोई बंदा या बॉट हो तो भाई उसे मारते चले, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम खेलते हैं। तभी मैं जाते 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 यहाँ पे ड्रॉप गिरा हुआ था, मैंने सातों को कहा कि भाई तू ड्रॉप लूट ले, एक्चुअली मैंने इसे ऐसा कहा था क्योंकि भाई ड्रॉप अगर कैंप हो रहा होगा तो सबसे पहले ये टपकेगा और फिर मैं साइड से किल चुरा लूँगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, ये भी बहुत समझदार है भाई, मेरा भाई मेरे से कम समझदार थोड़ी ना है। मैं यहाँ पे साइड में राउंड मार लेता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पे मैं पहाड़ी वाड़ी भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे घर पे यहाँ पे बंदे लोग कैंप करके बैठे रहते हैं हमेशा। यहाँ पे जाते 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 मैं फिर से एक बार मेन बिल्डिंग की तरफ निकल जाता हूँ, और यहाँ पे बहुत ही लंबा सीन होने वाला है एक्चुअली में। बहुत ही लंबा हो गया था वो सीन, तो मैंने काट दिया क्योंकि बंदे मिल ही नहीं रहे थे, और लास्ट में बंदे अब मिलने वाले हैं। मैं इस कारल उठा ली और UMP को ड्रॉप कर दिया ताकि अगर उनके पास कोई बढ़िया गन से MK या फिर कोई तकड़ी गन रही तो सबसे पहले हम उन्हें मार दें, ना कि वो हमें। यहाँ पर मुझे मतलब मैं ऊपर चला जाता हूँ ताकि मुझे बंदे दिख जाए, यहाँ पर मैं पीक पीक करके सब कुछ देख लेता हूँ बट बंदे नहीं मिलते। मैं ऊपर चला जाता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है जो आपको देखना पड़ेगा, फ़िलहाल के लिए मैं बोलूँगा नहीं। यहाँ पे मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है फाइनली, भाई ये दोनों बंदा स्पॉट होता है मुझे। यहाँ पे बंदा मैं देख रहा होता देख रहा होता, और यहाँ पे भी तुम दिख जाता है मुझे, और पीछे से भी फायर आता है, तो मुझे लगता है भाई बंदे अब मरे चिकन निकलने चला। बट होता क्या है कि यहाँ पे फायर आता है पीछे से, मुझे लगा कि मैं सातों भाई नॉक होगा। यहाँ पे मैं नेट फेंक देता हूँ, तभी मुझे पीछे से फायर आता जो मैंने कहा था, और यहाँ पे एक बॉट था, तो यहाँ पे मैंने कहा था ना भाई बॉट बहुत मिलते हैं भाई लास्ट में, बहुत बहुत ख़तरनाक।
यहाँ पे बंदा भी बहुत भी फेंक देता, नेट मॉली सब फेंक रहा था, जो उसका हाथ में था सब फेंक दिया उसने, अपना नहीं फेंका लेकिन सब कुछ फेंक दिया उसके बदले में। और यहाँ पे मैं बोल लेता हूँ मॉली, मैं भाई को कहा कि भाई तू उसे संभाल के रख, तब तक मैं मॉली फेंक के उसे डैमेज देने की पूरी कोशिश करता हूँ। और यहाँ मॉली से चिकन निकल जाता है।